मंजिलें चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, उसके रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से ही जाते हैं। वेलकम एंड जय हिंद डियर फ्रेंड्स, मैं सौरभ यादव स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल जो नए नए पर। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे समाकलन यानी इंटीग्रेशन से टॉप 25 क्वेश्चन। मैं आपको 50 क्वेश्चन हर चैप्टर से करा रहा हूं, तो 50 क्वेश्चन यहां से भी आपको कराऊंगा, ठीक है। अगर आपने अभी तक हमारे क्रैश कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन पर चक्रो आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर जो भी वीडियोज में आपको अब तक यानी चैप्टर्स को भी आप तक कंप्लीट कर चुका हूँ अब तक मैं आपको, उन सभी को देखो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी, आपका एक क्विक रिविजन होता चला जाएगा, ठीक है। बेस्ट क्वेश्चन कलेक्शन करा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। देखो आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, टेन क्यू एक्स डी एक्स यानी कि 10^3 का आपको समाकलन पूछा है। तो देखो इसके एक फॉर्मूला ध्यान रखो, उसका नाम है अपचयन सूत्र, आप इजीली कर ले जाओगे ऐसे किसी भी क्वेश्चन को, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है आपका, फॉर्मूला है 10^(nx) यानी कभी भी आपको दिख जाए, एन का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है आपका, ठीक है। आपका यहाँ कोई ध्येय नंबर दिखे तो आपको क्या करना है, इसका समाकलन 10^(n-1) यानी कि पावर में से एक घटा दो उसे अपॉन में लिख दो, -1 माइनस पावर में से दो घटा दो n-2 और उसका समाकलन कर दो, ये आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो सर देखो इसे यहाँ अप्लाई करोगे तो 3 में से आपका एक जाएगा 10^2x, कितना बचा 10^2x अपॉन n में से एक गया, 3 में से एक गया यानी दो बचा, माइनस का देखो 3 में से आपको यहाँ के यहाँ 3 है तो 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 10x बचेगा, 10x का समाकलन क्या होता है माइनस का लॉग कॉस एक्स, तो माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस लॉग कॉस एक्स प्लस का सी, ठीक है। तो कहाँ दिख रहा है आपको ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, जरूरी नहीं माइनस का लॉग कॉस एक्स सेक एक्स भी होता है आपका, लेकिन अगर यहाँ पर आपका स्क्वायर ना होता लॉग ला होता तो आपका ये भी आंसर सही हो सकता था, ठीक है। अगर सेक साथ में आएगा तो उसके साथ माइनस नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो आपको मैं बेस्ट क्वेश्चन कलेक्शन करा रहा हूँ आपकी क्विक रिविजन के लिए, लेकिन आपको प्रैक्टिस कहाँ करनी है, प्रैक्टिस करनी है आपको परीक्षा पर, परीक्षा आपका लिंक आपका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन है, वहाँ जाकर उसे डाउनलोड करो। आपको वहाँ पर एयरफोर्स एक्स एयरफोर्स वाई नेवी SR MR इन सभी के प्रैक्टिस सेट आपको बेस्ट प्रैक्टिस सेट मिलते हैं आपको, ठीक है। वो आपको परचेज करने पड़ेंगे, जब परचेज करोगे तो कोड का ऑप्शन आएगा IndianB50 यूज़ कर लेना, आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा, बेस्ट प्रैक्टिस सेट है, मैंने खुद चेकआउट किया है तभी आपको मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आगे डिस्कस करते हैं बेस्ट क्वेश्चंस। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, 3x+2 / 5x+7 dx, ठीक है। तो कभी भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिख जाए तो सबसे पहले यार तो वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन दिख जाए तो सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, ऐसा कुछ नहीं, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन कराया तो वीडियो को तो लाइक कर सकते हो, ठीक है। तो देखो अगर आपको कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन दिखाई दे तो आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ वो आपको यूज करना है, कैसे, ax+b / cx+d, ठीक है। देखो इसी कंसेप्ट पर तो दिख रहा है आपको, ये ए का काम कौन कर रहा है, 3 कर रहा है, सी का काम 5, बी का 2 और डी का 7, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूँ भाई, ठीक है। क्वेश्चन भले करा रहा हूँ लेकिन कोई कंसेप्ट यूज होता है तो बिल्कुल आपको बेसिक से ही बताता हूँ मैं आपको, बिल्कुल क्लियर हो जाता होगा अगर आप इंटेंशन के साथ अच्छी तरीके से समझते हो, ठीक है। तो देखो अगर आपको इस तरीके क्वेश्चन कभी दिखाई दे आपको क्या करना है, a/c (x), ठीक है, माइनस का ए का गुणा कराओ डी में, ए डी प्लस का बी का गुणा सी में, बी सी अपॉन सी स्क्वायर और लॉग में इसके गुणा में ही हुआ है, ठीक है। लॉग में जो अपॉन का नीचे आ रहा है आपका, जो भी नीचे आ रहा है वो सी एक्स प्लस का डी प्लस का सी, ठीक है। आपको ये यूज करना है, ठीक है, ध्यान रखना आपका ये कैसा है, गुणा में है, और अगर आप इस माइनस का मल्टीप्लाई अंदर कर दोगे तो यहाँ भी कितना हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा। तो देखो इसी कंसेप्ट को मैं यहाँ यूज करता हूँ इस क्वेश्चन में, ठीक है। देखो ए अपॉन सी यानी कि 3/5, 3/5, ठीक है, 3/5। देखो मुझे आंसर तो यहीं से दिख गया ऑप्शन नंबर 1, 3/5 इसमें आ रहा है, लेकिन कंसेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं तो कंप्लीट डिस्कस करते हैं वो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो 3/5 हो जाएगा एक्स, माइनस का देखो 7 * 21 प्लस का 5 * 10 हो जाएगा आपका, ठीक है, अंतर हो रहे, तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, 3x+2 / 5x+7, ठीक है। तो कभी भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिखाई दे, ठीक है, कभी भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिखाई दे, मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ आपको वो यूज़ करना है, क्या है वो आपका, कभी भी आपको ये टर्म दिखाई दे ax+b / cx+d, ठीक है, ये आपको दिखाई दे, इसका आंसर आप कैसे गेट करोगे, a/c (x), ठीक है, माइनस का आपका ad प्लस का bc
अपॉन सी स्क्वायर लॉग, जो आपका नीचे आ रहा है उसे लिख दो लॉग में ले जाकर, तो सी एक्स प्लस डी यहाँ हो जाएगा, सी एक्स प्लस का डी। ठीक है, तो अब हम इसी कंसेप्ट को यहाँ इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हो, देखो कितना हो जाएगा 3/5, तो 3/5 x। अब देखो हमें ये कहाँ दिख रहा है 3/5, ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप आगे सॉल्व करना है तो ये कंसेप्ट को यूज करना और आपको खुद से सॉल्व करके ट्राई करना है, क्योंकि आपको सीखना है तो इससे आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम अगर थोड़ा सा लॉजिक लगाएं तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कम्प्लीट हो चुका है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगर वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, 2x+3/(x-1) और एक्स प्लस टू आपके गुणा में डी एक्स पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन दिखाई दे पार्शियल फ्रैक्शन हमारा, आपको क्या करना है, आंसर ले लेते हैं फटाफट से। कैसे लिखोगे, लॉग एक्स माइनस वन और थोड़ा गैप देकर लिख लो लॉग एक्स प्लस टू, ठीक है, इतना लिख लिया। अब देखो सर, अब हमें क्या करना है कि हमें जो लॉग के पहले जो लॉग के साथ आ रहा है यार, कि ये पहला क्वेश्चन है उसे जीरो करना है, तो एक्स माइनस वन बराबर जीरो करोगे तो एक्स का कितना आएगा आपका, वन आएगा। एक्स बराबर वन ऊपर रखोगे कितना आएगा यहाँ पर, 5, नीचे रखोगे 3, तो 5/3 यहाँ लिख दो, ठीक है। इसका पॉइंट जीरो किया है तो जो पॉइंट आएंगे वो यहाँ रखोगे। अब किसे जीरो करेंगे, इसे, तो यहाँ से करने के लिए एक्स बराबर आपका -2, -2 ऊपर रखोगे तो कितना बचेगा, ऊपर से आपका 1 बचेगा और नीचे से कितना बचेगा सर आपका, -3, ठीक है, माइनस का आपका कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ आपका कितना आ जाएगा, ऊपर से आपका -1 बचेगा और नीचे कितना बचेगा, -3, तो माइनस से माइनस कट गया, यानी कि प्लस का 1/3 आपका यहाँ। तो ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है आपको, 5/3 लॉग एक्स माइनस 1/3 लॉग एक्स प्लस 2+c, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट ऑप्शन। इस तरीके के क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, क्वेश्चन देखिए बस आंसर लिख लो तुरंत, ठीक है। इस तरीके से लिखना, लॉग में आंसर लिख देना, उसके बाद पॉइंट को सीक्वेंस में जीरो करते जाओगे, आपको ए बी सी की वैल्यू मिलती चली जाएंगी, वो आपको लिखकर दिखाना है, ठीक है, कोई देखने वाला नहीं है वहाँ पर, वहाँ पर से आपका ऑप्शन दिखाया जाएगा, अगर आपका सही है तो सही किया जाएगा, गलत है तो गलत किया जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, 1/sin²x इंटू cos²x, डी एक्स आपको बताना है, ठीक है। देखो ऊपर कितना है आपका, एक है ना, तो इस एक की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, sin²x प्लस का cos²x, इतना लिख लूंगा, क्योंकि sin²θ प्लस cos²θ का मान कितना होता है आपका, एक होता है, तो एक की जगह मैं ये लिख लेता हूँ। अब क्या करूँगा, मैं इसका अलग अलग भाग दे दूंगा, तो जब मैं यहाँ पर डिवाइड करूँगा sin²x इंटू cos²x इसका, और यहाँ भी कितना हो जाएगा आपका, sin²x इंटू cos²x। अब देखो आपका ये तो चला गया, 1/cos²x क्या हो जाएगा आपका, sec²x, और प्लस का देखो यहाँ आपका ये चला गया 1/sin²x, आपको हो जाएगा cosec²x। अब देखो sec²x का कितना होता है 10x, और cosec²x माइनस का cotx, तो 10x माइनस cotx ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, 1 cos²x/(1 cos²x dx), ठीक है। तो अब आपको क्या करना है सर, यहाँ पर आपको कॉस का फॉर्मूला खोलना है, जो cos²x का ऐसा फॉर्मूला खोलो कि आपको जो एक है वो कैंसिल हो जाए। इसे आप कैसे कैंसिल करोगे, 1 - 1 + 2 sin²x, ये फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है, साइन के पदों में, या नीचे खोलना पड़ेगा कॉस के पदों में, तभी तो आपका एक कैंसिल होगा। क्या करोगे, 1 + 2 cos²x - 1, देखो यहाँ आपका ये चला गया, यहाँ से ये चला गया, अब देखो 2 से 2 चला गया, sin x / cos x कितना हो जाएगा आपका, 10²x। अब 10²x का तो समाकलन होता नहीं है, इसे कैसे तोड़ेंगे सर आप, 1 - sec²θ - 1, किस में तोड़ोगे आप, इसे sec²x - 1, ठीक है। अब आपको इसका समाकलन करना है, तो sec²x का कितना होता है आपका 10x, तो इसका तो हो गया आपका 10x, ठीक है, 1 का x + c, कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, cos²x/cos²x (sin²x), ठीक है। तो आपको एक cos²x का फॉर्मूला पता होगा, क्या कि सर cos²x - sin²x भी तो आपका इसी का फॉर्मूला होता है, अब इसे डिवाइड करोगे, तो सर मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि आप इसे अलग अलग डिवाइड कर दो, ठीक है, आप इसे अलग अलग डिवाइड दे दो इसका, यानी कि cos²x (sin²x) और यहाँ भी डिवाइड कर दो cos²x (sin²x). देखो cos² से ये चला गया आपका 1/sin²x, क्या होता है आपका cosec²x, cosec²x माइनस का देखो साइन से साइन चला गया, क्या हो जाएगा आपका sec²x। अब देखो cosec²x किसका होता है आपका, माइनस का cotx, माइनस का cotx और ये आपका 10x का प्लस का सी, कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर जो ई है वही आपका, नहीं सर ऑप्शन नंबर सी, माइनस का cotx माइनस का
टेन एक्स प्लस थ्री, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन वन माइनस कॉस एक्स का आपको समाकलन करना है। तो देखो साइन स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन वन माइनस कॉस एक्स। अब सर आपको क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर का कोई कुछ बात कुछ अंतर हो जाएगा इसमें, कुछ नहीं होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, यानी कि वन प्लस कॉस एक्स ऊपर और वन माइनस कॉस एक्स, ठीक है, अपॉन वन माइनस कॉस एक्स। देखो दिस से दिस, इसका कितना हो एक का एक्स, कॉस एक्स का सर आपका क्या होता है प्लस का साइन एक्स प्लस का सी, एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, वन अपॉन वन प्लस कॉस एक्स डी एक्स, आपको वन अपॉन वन प्लस कॉस एक्स डी एक्स का आपको समाकलन बताना है। तो कभी भी आपको कॉस के साथ वन दिखा करें, ठीक है, कॉस के साथ वन दिखा करें, आप सिर्फ ये सोचो कि उस वन को आप कैसे कैंसिल आउट करोगे। ठीक है, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। जैसे वन अपॉन वन प्लस, मैं कॉस एक्स का हाफ एंगल ऑफ होना खोलता हूँ, क्या कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन, तो देखो ये चला गया आपका टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, तो वन अपॉन टू थी ये हो जाएगा आपका, और कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है सर, अब आपका सेक एक्स का समाकलन कितना होता है सर, आपका सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स होता है, तो टेन एक्स बाई टू, टेन एक्स बाई टू। अब सर एक बटे दो तो आपका ये चल रहा है आगे, लेकिन सर आप एक बटे दो यानी कि एक्स बाई टू का भी समाकलन करोगे, एक्स बाई टू का समाकलन करोगे तो कितना आएगा आपका, नीचे आएगा वन अपॉन, यानी कि वन अपॉन नीचे आएगा तो कान पक जाएगा ऊपर, तो टू अपॉन टू ये तो कट गया, यानी कि टेन एक्स बाई टू प्लस सी, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वन अपॉन वन माइनस कॉस एक्स, यहाँ आपको कितना दिख रहा है वन माइनस कॉस एक्स है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको कमेंट में कमेंट कर देना है, लिख कर देना नाइन का ए बी सी डी आपको कौन सा राइट लगता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, टेन लॉग एक्स अपॉन एक्स, आपको डी एक्स बताना है इसका। ठीक है, तो आपको अपॉन में एक्स दिख रहा है, तो आपको क्या करना है सर कि लॉग एक्स को टी मान लो, लॉग एक्स बराबर जब आप टी मानोगे तो लॉग एक्स कितना हो जाएगा वन अपॉन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। अब देखो वन अपॉन एक्स डी एक्स यानी कि वन अपॉन एक्स डी एक्स, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो डी टी लिख सकते हो, और लॉग एक्स को आपने क्या मान लिया टी मान लिया, तो अब क्या बन गया आपका टेन टी। अब टेन टी का क्या होता है आपका, टेन टी का होता है लॉग सेक एक्स प्लस सी या माइनस का लॉग कॉस एक्स प्लस सी, तो आपको क्या दिख रहा है लॉग कॉस एक्स यानी कि आपका माइनस का लॉग कॉस एक्स, तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। बी क्यों नहीं है, क्योंकि बी क्या गया आपका माइनस नहीं है। ठीक है, सेक का यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, एक्स की जगह पर यहाँ कितना आ रहा है आपका लॉग एक्स आ रहा है, बस इतना अंतर है आपका, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ई की पावर टेन इनवर्स रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस एक्स रूट एक्स। देखो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, e की पावर टेन इनवर्स रूट एक्स, ये तो यही रहेगा। नीचे देखो अगर मैं यहाँ से रूट एक्स कॉमन ले लूँ, रूट एक्स कॉमन ले लूँ, क्या बचेगा आपका वन प्लस एक्स, इतना बचेगा। अब देखो सर अगर मैं टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स बराबर टी मानता हूँ तो इसका अवकलन करोगे क्या हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस एक्स, क्योंकि रूट एक्स का स्क्वायर करोगे तो वो तो एक्स बचेगा। अब किसका करोगे आप अवकलन, रूट एक्स का, तो वो कितना हो जाएगा आपका वन अपॉन टू अंडर रूट एक्स। अब देखो आपको रूट एक्स और वन प्लस एक्स, तो रूट एक्स वन प्लस एक्स आपको ये पूरा दिख रहा है लेकिन दो नहीं दिख रहा है, तो इस दो को इधर पहुंचा दो आप, यानी कि ये कितना हो जाएगा आपका डी एक्स बराबर टू डी टी। ये सारे यानी इतने की जगह पर आप यहाँ पर डी एक्स होगा, इस सारे जगह क्या लिख सकते हो आप टू डी टी। तो अब आपको समाकलन किसका करना है, आपको समाकलन करना है ई की पावर टी डी टी। ठीक है, और आपका दो तो कॉन्स्टेंट आ गया, तो ये तो आगे आ जाएगा। अब e की पावर t का आपका क्या होता है, e की पावर t, तो 2 e की पावर t, और टेन की टी की वैल्यू कितनी आपने मानी है टेन इनवर्स रूट टी रूट एक्स, तो टेन इनवर्स रूट एक्स प्लस सी, तो 2 e की पावर टेन इनवर्स रूट एक्स प्लस सी, ऑप्शन नंबर जो बी है वही आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, e की पावर x का क्यू इंटू एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, तो आपको दिख रहा है यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ रहा है, यहाँ आपका एक्स क्यू आ रहा है, तो आपको क्या करना है कि एक्स क्यू बराबर टी मानो, एक्स क्यू बराबर टी मानोगे तो क्या हो जाएगा सर थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी। अब देखो एक्स स्क्वायर डी एक्स तो आपको यहाँ दिख रहा है लेकिन सर तीन नहीं दिख रहा है, तो तीन को हटा दो यहाँ से, इस तीन को आप यहाँ पहुँचा दो एक बटे तीन डी टी। अब इस सारी की जगह आप क्या लिख सकते हो वन अपॉन थ्री डी टी। ठीक है, तो यहाँ आपको क्या हो जाएगा, क्वेश्चन क्या बनेगा आपका, एक बटे तीन तो आपका कॉन्स्टेंट है, ये तो आगे आ गया आपका। ठीक है, ई की पावर एक्स क्यू का आपने टी माना है, तो ई की पावर टी डी टी। अब e की पावर टी का क्या होता है, e की पावर टी होता है, तो e की पावर टी क्या माना था एक्स क्यू वन अपॉन थ्री
प्लस सी, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स क्यू अपॉन वन प्लस एक्स की पावर सिक्स डी एक्स आपको बताना है। ठीक है, तो आपको इसमें टेन इनवर्स एक्स क्यू बराबर टी मानना है। ठीक है, तो इसका आपको अवकलन करोगे एक्स एक्स क्यू का तो आपको एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, और इसका अवकलन करोगे टेन इनवर्स का तो वन अपॉन वन प्लस एक्स की पावर सिक्स ये भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो इसका आंसर आपको कमेंट में कमेंट करके देना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, ई की पावर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। ठीक है, तो आपको अपॉन में भी रूट एक्स दिख रहा है तो आपको रूट एक्स बराबर टी मानना है। रूट एक्स बराबर टी कितना होगा इसका अवकलन, वन अपॉन टू रूट एक्स डी एक्स बराबर डी टी इतना हो जाएगा। अब आपको ये दो तो याद दिख नहीं रहा सर, तो इस दो को सर आप यहाँ पहुँचा दो। ठीक है, वन अपॉन रूट एक्स डी एक्स, वन अपॉन रूट एक्स डी एक्स इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो डी टी। तो अब समाकलन किसका करना है सर, आपको दो तो कॉन्स्टेंट है तो आगे निकाल दो, e की पावर रूट एक्स को टी मान लिया तो टी डी टी। अब e की पावर टी का कितना हुआ, e की पावर टी यानी कि e की पावर रूट एक्स, तो e की पावर रूट एक्स रूट जो एक्स है वो और दो का दो, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, साइन रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। ठीक है, तो आपको यहाँ भी अपॉन रूट एक्स दिख रहा है, सीधा रूट एक्स को टी मानो, रूट एक्स बराबर टी मानोगे बस यही हो जाएगा आपका वन अपॉन टू रूट एक्स डी एक्स बराबर डी टी। अब देखो यहाँ भी आपको दो नहीं दिख रहा है तो इस दो को सर यहाँ पहुँचा दो, अब ये पूरा मिलेगा ना आपको, यहाँ देखो ये पूरा मिल रहा है तो अब क्या लिख सकते हो आप इसे साइन टी, साइन टी और साइन टी का क्या करना है आपको समाकलन, क्योंकि दो तो आपका कॉन्स्टेंट है, ये वाला दो तो कॉन्स्टेंट है आगे आ जाएगा। ठीक है, और साइन टी कितना होता है माइनस का कॉस टी, माइनस का कॉस टी, कॉस टी की वैल्यू आपने कितनी मानी है रूट एक्स, तो रूट एक्स हो जाएगा। ठीक है, दो आपका कॉन्स्टेंट था आगे, दो जो है वो ये तो कॉन्स्टेंट था, तो माइनस का टू कॉस रूट एक्स प्लस का सी, ऑप्शन नंबर जो डी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, वन अपॉन एक्स लॉग एक्स डी एक्स। ठीक है, तो देखो ये दोनों क्वेश्चन जो मैंने लिखे हैं सेम कंसेप्ट पर है, आपको यहाँ पर लॉग एक्स दिख रहा है तो आपको इस लॉग एक्स को टी मान लेना है, क्योंकि आपको वन अपॉन एक्स ये मिल जाएगा। तो जब लॉग एक्स बराबर आप टी मानोगे ना तो वन अपॉन एक्स डी एक्स बराबर डी टी इतना हो जाएगा। तो देखो वन अपॉन एक्स डी एक्स बराबर डी टी आपको ये मिल गया पूरा, आपने टी किसे माना लॉग एक्स को, तो अब समाकलन किसका करना है आपको वन अपॉन टी डी टी आपको इसका समाकलन करना है, और वन अपॉन टी का क्या होता है आपका लॉग टी, तो लॉग लॉग एक्स प्लस सी, क्योंकि आपको टी को लॉग एक्स रखना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम कॉन्सेप्ट पर है, आपको नीचे वाले को टी मानना है ऊपर वाला मिल जाएगा, जैसे लॉग साइन एक्स बराबर अगर मैं टी मानता हूँ तो लॉग एक्स का क्या होता है वन अपॉन एक्स, तो वन अपॉन एक्स यानी कि साइन एक्स, और साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी टी। अब देखो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या होता है आपका कॉट एक्स होता है, कॉटेक्स आपको ऊपर दिख रहा है तो ये पूरा आपको मिल गया यहाँ ना, तो मिल गया तो हटा दो इसे। अब किसका समाकलन करना है आपको वन अपॉन ये क्या हमारा आपने टी, वन अपॉन टी का लॉग टी होता है, तो लॉग लॉग साइन एक्स प्लस सी, ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन रूट में टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो देखो आपको अगर आप टेन इनवर्स एक्स को टी मानोगे तो वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। तो देखो आप सिर्फ उसे टी माना करो जिससे आपको कुछ फ़ायदा मिल जाए। ठीक है, हमें बस अब क्वेश्चन में कुछ दिख जाए, कोई क्लू दिख जाए कि अगर मैं इसको टी मानता हूँ तो मुझे ये चीज़ मिल जाएगी, तो उसे टी मान लिया करो। ठीक है, तो मुझे पूरा अंडरूट में नहीं केवल अंदर अंदर वाला टी मानना है, तो अगर मैं टेन इनवर्स एक्स को बराबर टी मानता हूँ तो क्या हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी। देखो मुझे पूरा मिल गया ना डी एक्स डी टी, ये पूरा मिल गया। अब मुझे समाकलन किसका करना है वन अपॉन रूट टी का, वन अपॉन रूट टी का होता है आपका टू रूट टी टू। जी देखो ये छोटे कुछ समाकलन है वन अपॉन एक्स का, वन अपॉन एक्स स्क्वायर का, या वन अपॉन रूट टी, वन अपॉन रूट टी का तो क्या आ जाएगा वन अपॉन रूट एक्स का, तो क्या आ जाएगा आपका टू रूट टी। ठीक है, तो ये आपको आ जाएगा टू रूट टी। ठीक है, माना आपने माना है टी क्या माना टेन इनवर्स एक्स को, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस सी यही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर जो ए है इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टेन की पावर फाइव एक्स डी एक्स, इसका समाकल आपको बताना है। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन सबसे पहले आपको बताया था ना कि टेन की पावर एन एक्स वाला, बस अपचयन सूत्र बताया ना, तो उसे ये यहाँ पर आपको अप्लाई करना है। फर्क सिर्फ इतना है कि आपको वो अपचय सूत्र दो बार अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, जब पहली बार करोगे तो आपका समाकल जो द्वारा वन कराएगा क्या होता है आपका टेन पावर एन माइनस टू, तो एन में पाँच में से दो हटाओगे तो टेन थ्री एक्स अपॉन थ्री बन जाएगा। तो अब आपको इसका भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको इसका भी करना पड़ेगा, तो उसे ही अपचय सूत्र को यहाँ अप्लाई करना, बस अंतर इतना है कि यहाँ आपको अपचयन सूत्र दो बार अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, ई की पावर एक्स कोस्टेक वो वन प्लस एक्स अपॉन एक्स कोस्क्वायर एक्स प्लस ई की पावर एक्स। ठीक है, तो आपको इस एक्स प्लस ई की पावर एक्स को टी मानना है, एक्स
ई की पावर एक्स बराबर आप टी मानो, ठीक है, तो ऐसे क्या करोगे, अवकलन करोगे, तो फर्स्ट फलन सेकंड का अवकलन, ठीक है, प्लस सेकंड फलन ई की पावर एक्स फर्स्ट का अवकलन, तो एक्स का तो वन हो गया, डी एक्स बराबर डी टी। अब देखो यहाँ से आपको क्या कॉमन दिख रहा है, ई की पावर एक्स एक्स प्लस वन डी एक्स बराबर डी टी। देखो ये जो पूरा टर्म है आपको ये ऊपर मिल गया ना पूरा, ठीक है, ऊपर मिल गया, ठीक है। अब आपको समाकल किसका करना है, वन, अब देखो वन अपॉन मत लिखो, तो आपको कॉस स्क्वायर और टी मान लिया, तो वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा आपका, सेक स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा, तो यानी कि सेक स्क्वायर आपको टी मिल गया। अब सेक स्क्वायर टी यानी कि सेक स्क्वायर आपका टी किसका होता है आपका, सेक स्क्वायर किसका होता है आपका, टेन का होता है, तो टेन कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। टेन टी का वैल्यू क्या माना आपका, एक्स ई की पावर एक्स, तो टेन ई की पावर टेन एक्स ई की पावर एक्स प्लस सी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स अपॉन एक्स प्लस वन, ठीक है, एक्स अपॉन एक्स प्लस वन, अगर यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर होता आप पर नीचे, ठीक है, तो आप नीचे वाले को टी मान लेते, ऊपर वाला मिल जाता, लेकिन सर यहाँ तो आपको नीचे एक्स स्क्वायर दिया दे रखा है, केवल एक्स दे रखा है, अगर आप इसे टी मानते हो तो ऊपर कुछ फायदा नहीं होने वाला है, तो आपको क्या करना है, आप यहाँ प्लस वन करो और माइनस वन करो, एक तो आप जोड़ दो और एक घटा दो, अब आपको अलग अलग डिवाइड कर देना है, जैसे एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन, ठीक है, मैंने प्लस को उसके साथ ले लिया, माइनस वाला अलग रख लिया, वन अपॉन एक्स प्लस वन, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब देखो ये तो आपका पूरा कट गया ना, कट गया, कितना बचा, एक एक का कितना होता है आपका एक्स, माइनस वन अपॉन एक्स का लॉग एक्स, तो लॉग एक्स प्लस वन प्लस सी, यही आपका राइट आंसर है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है, एक्स माइनस लॉग एक्स प्लस वन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स की पावर फोर माइनस वन, ठीक है, तो देखो अगर मैं इसे चेंज कर लेता हूँ थोड़ा, ठीक है, अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस वन ये तो इसे ही छोड़ देता हूँ, देखो नीचे वाले को एक्स स्क्वायर माइनस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन इतना लिख सकता हूँ, क्योंकि एक्स फोर है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से मैंने दो पदों में तोड़ लिया, ये तो कट गया आपका, कितना बचा, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका किसका समाकलन होता है, टेन इनवर्स एक्स का, तो ऑप्शन नंबर जो डी है इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। देखो सबसे पहले तो आपको समाकलन के सभी फॉर्मूले अच्छे तरीके से, समाकलन अवकलन के जब तक आपको अच्छे तरीके से फॉर्मूले याद नहीं होंगे आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, तो सबसे पहला काम तो ये करो, आपको हर फॉर्मूला अच्छे तरीके से रटा हुआ होना चाहिए, याद नहीं रटा हुआ होना चाहिए, समझ रहे हो मेरी बात को, अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी आपको, समाकलन अवकलन के पूरे फॉर्मूले याद करो अच्छे तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, कॉस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो देखो अगर नीचे वाले को टी मानता हूँ तो मुझे ऊपर वाला मिल जाएगा, कैसे, कि अगर मैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर मैं टी मानूँ तो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है आपका, कॉस एक्स माइनस का आपका इसका कितना हो जाएगा, साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। अब देखो हमारा जो ऊपर आ रहा है वो साइन एक्स प्लस का आ रहा है, कॉस एक्स माइनस का आ रहा है, यानी कि हमारे साइन पलट कर आ रहे हैं, तो अगर मैं दोनों तरफ या इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ, मैं इसमें से अगर मैं माइनस को कॉमन ले लूँगा तो यहाँ तो प्लस हो जाएगा यहाँ माइनस हो जाएगा, तो अब आपको क्या दिख रहा है, ये माइनस का हो गया ये प्लस का हो गया, ठीक है, तो अब मैं इस माइनस को उधर पहुँचा दूँ तो माइनस का डी टी हो जाएगा, यानी कि मुझे इस वन अपॉन किसका समाकलन करना है, माइनस का वन अपॉन टी का, तो वन अपॉन टी का लॉग टी माइनस का लॉग साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स, कहाँ दिख रहा है आपको, माइनस का लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी माइनस का लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आगे डिस्कस करते हैं, तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, सेक स्क्वायर थ्री एक्स प्लस फाइव, ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, सेक स्क्वायर एक्स ये पूरा किसका काम कर रहा है आपका, एक्स का, तो सेक स्क्वायर एक्स का समान क्या होता है आपका, टेन एक्स, तो टेन थ्री एक्स प्लस फाइव। अब देखो सर आपका ये थ्री एक्स आ रहा है तो थ्री एक्स का करोगे तो थ्री नीचे आ जाएगा, अगर ऑप्शन नंबर सी आपका कब राइट आंसर होता, अगर ये अवकलन पूछता, अवकलन में आपका जो थ्री है वो आ गया था, सिर्फ यही बात आपकी सही होती, केवल ये आपका सेक्स स्क्वायर एक्स, ये अवकलन नहीं होता आपका, ठीक है, केवल तीन जो आपका आगे आता है वो आता है अवकलन में, ठीक है, पावर आगे आती है वो अवकलन होती है, लेकिन पावर अपॉन में जाती है वो होती है आपके समाकलन में, तो आपके तीन कहाँ चली जाएगी, यहाँ पर आपके जो गुड़े में वो आपका कहाँ चला जाएगा, नीचे अपॉन में, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कॉस स्क्वायर कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन वन प्लस कॉट एक्स, तो देखो अगर मैं इस वन प्लस कॉट एक्स को वन प्लस कॉट एक्स बराबर में टी मान लूँ तो इसका तो जीरो अवकलन, कॉट एक्स का माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। अब देखो ऊपर हमें क्या दिख रहा है सर, केवल कोसेक स्क्वायर, तो इस माइनस को मैं इधर ले जाता हूँ, ठीक है, अब मुझे समाकलन किसका करना है, माइनस का वन अपॉन
टी का, क्योंकि मैंने इसे टी मान लिया है, तो इसका क्या हो जाएगा, लॉग टी, यानी कि माइनस के लॉग वन प्लस कॉट एक्स। ऑप्शन नंबर जो बी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए सभी अच्छे क्वेश्चन कराए, ठीक है, आगे भी लेकर आऊँगा। ठीक है, देखो यार, आप जो लोग लास्ट तक आए उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो मैं आप ही के लिए वीडियो शुरू करता हूँ। ठीक है, बाकी लोग तो वीडियो थोड़ा क्लिक करने आते हैं, चले जाते हैं, तो उससे कुछ डिमोटिवेशन भी मिलता है, लेकिन क्या करें, जो आप पूरा देख रहे हो तो आपके लिए तो वीडियो लाते हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगाओ तो किसी पर शेयर मार देना, चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय गाइस।